सेल्टॉस में आ चुका एक बहुत ही धमाकेदार वेरिएंट जो कि आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। भाई कंपनी ने इसको लॉन्च किया है ग्रेविटी एडिशन के नाम से, जो कि आपको मिलेगा एसटीएक्स और एसटीएक्स प्लस के बीच का मॉडल है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको बहुत ही शानदार होने वाली, मतलब ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको टॉप मॉडल में मिलती हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस ग्रेविटी एडिशन में डाला गया है। सो एक एक बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज़ 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 इस हम्बल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी वीडियोज़ आप मिस कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको HTX और HTX प्लस के बीच का मॉडल आ जाता है ग्रेविटी एडिशन। अब ग्रेविटी एडिशन में एक्चुअल में खास क्या है, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हो, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप ग्रेविटी एडिशन लेते हो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ग्रेविटी एडिशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको तीन ट्रांसमिशन में मिलेगा, वैसे डीजल पेट्रोल दोनों में आपको मिलेगा। पेट्रोल में आपको ये मैनुअल में ट्रांसमिशन के साथ में आ जाता है और आपको ये IVT ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा। फिलहाल मेरे पास में ये IVT है। डीजल अगर आप लेते हैं तो डीजल में सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं फ्रंट लुक में। फिलहाल अगर आप देखेंगे फ्रंट लुक में एज इट इज़ मेन सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो कि हमारे पास में मॉडल में आ जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास में ये कलर है, बेसिकली ये अरोरा ब्लैक कलर है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी नोज ग्रिल फ्रंट में बहुत ही प्रीमियम आपको मिल जाती है। फुली LED कनेक्टेड टेल लैंप आपको देखने, फुली LED फ्रंट जो लाइट्स है वो आपको मिल जाती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको 4 प्रोवाइड किया जाता है। फ्रंट में डिफ्यूज़र आपको मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों, इस गाड़ी का जो इंजन है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही साइलेंट इंजन आपको मिल जाता है। इसमें एक बहुत ही शानदार चीज़ आपको मिलेगी, वो है इसके गन मेटेलिक R17 के आपको मिलने वाले यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम गन मशीन वाले जो कह सकते हैं अलॉय व्हील, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जैक्टली अगर बात करूँ टायर प्रोफाइल के बारे में, तो भाई यहाँ पे आपको देख सकते हैं 215/60 R17 के टायर साइज़ आपको मिल जाते हैं। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। बॉडी कलर ORV आपको मिलेगा, ये सबसे बेस्ट चीज़, बॉडी कलर ORV मिल जाता है विथ टर्न इंडिकेटर। राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड आपके पास में ग्रेविटी की एम्बलम आपको मिल जाती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपके पास में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में सिल्वर कलर की रूफ रेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक बार मैं आपको राइट साइड में दिखा देता हूँ, यानी कि जहाँ पे ड्राइवर साइड है, तो बेसिकली जो ग्रेविटी मैं बात कर रहा था, ग्रेविटी का जो एम्बलम है वो आपको राइट साइड पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। डोर हैंडल पे आप देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। सो रियर प्रोफाइल में जब आते हैं तो यहाँ पे आपके पास में रियर में जो स्पॉइलर है ये आपका ऐड हो चुका है, ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ में आ जाता है। बाकी डिफॉगर, वॉशर, वाइपर सारी चीज़ आपको मिल जाती है। फुल LED कनेक्टेड टेल लैंप है आपके पास में। सेल्टॉस की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारे पास में IVT है, दैट्स व्हाई IVT की बैजिंग आपको दे दिया जाता है। अब इसका बूट स्पेस देखेंगे तो 433 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। बूट स्पेस इस गाड़ी का बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे है। रियर की सीट 60-40 स्पीड तक के साथ में आ जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास में स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। स्पेयर व्हील का जो साइज़ है वो एक्चुअल में आप देखेंगे तो R16 का साइज़ आपको मिल जाता है, यानी कि 1 इंच आपको साइज़ कम मिल जाता है। ये तो बात होगी एक्सटीरियर के बारे में, जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई एक्सटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं कि इंटीरियर में आपके पास में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम चीज़ें आपको मिलेगी इंटीरियर में, जो कि अब आपको इस वाले मॉडल में मिलने वाली, यानी कि ग्रेविटी एडिशन में मिलने वाली। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं डोर हैंडल के बारे में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड अगर आप डोर आर्मरेस्ट पर देखेंगे तो ये आपका बहुत ही प्रीमियम लेदराइट आपका इंडिगो पेरा सीट आपको जो कलर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। चारों पावर विंडो आपको मिल जाती हैं। और अब सबसे शानदार, जो लोग गाने के लिए बहुत शौकीन है ना, उनके लिए भाई बोस के स्पीकर मिलने वाले हैं। तो यार इस तरीके से मतलब गाड़ी को इतना शानदार बनाया गया, मतलब बोस के स्पीकर, तो भाई मज़ा आने वाला है। इंजन तो ऑलरेडी गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम है, गाड़ी चलाने में बड़ी शानदार है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारी चलती है। लेकिन अब आपको इसमें बोस के स्पीकर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से भाई मज़ा जो है वो आपका दुगना होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत ही प्यारी आपको मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हैं सेल्टॉस की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है। सीट आप आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। सीट्स भी अगर देखेंगे तो इंडिगो पेरा जो सीट है वो आपको लेदराइट सीट वो आपको मिल जाती है। और ग्रेविटी एडिशन में ना भाई अब आपको ड्राइवर सीट भी वेंटिलेटेड सीट आपको मिलेगी, प्लस में को ड्राइवर भी अब आपको वेंटिलेटेड सीट के साथ में आ जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइडर हमारे पास में आ जाता है, कप होल्डर स्लाइडर आपको मिल जाता है, बहुत ही प्यारा। ऑटो होल्ड पार्किंग का ये भी सिस्टम आपको दे दिया जाता है।
ये आईवीटी में आपको मिलेगा। बाकी की जो है इसकी कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है, लॉक ऑन का बटन आपको मिल जाता है, होल्ड करेंगे गाड़ी ऑन हो जाएगी, एंड ये वाला अगर होल्ड करेंगे तो रियर का जो बूट है वो आपका ओपन हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बार मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो इंटीरियर कुछ इस तरीके से बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही प्रीमियम आपको मिलता है ग्रेविटी एडिशन में ना। यहाँ पहले हमारे पास में ये तो आपको 10.25 इंच मिलता ही था, बट अब आपके पास में 10.25 इंच का भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर ग्रेविटी एडिशन में। सो ये लुक जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो फील आता है इसको देख के ऐसा लगेगा वाव, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही धमाकेदार है। आप देखेंगे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आपको दे दिए जाते हैं, डी कट शेप में आपका स्टेयरिंग व्हील आ जाता है, सेल्टॉस की बैजिंग आपको मिल जाती है, लेफ्ट साइड आपके पास में आ जाता है सारे मीडिया के कंट्रोल, राइट साइड आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल एंड मैनी मोर थिंग्स आपके पास में अवेलेबल हो जाती हैं। वेल फ्रॉम द बेस्ट चीज़ भाई इसका ये चीज़ बहुत ही प्यारा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मतलब कहने ही क्या, काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। देख सकते हैं आप, मज़ा ही आ गया यार, एक एक चीज़ बड़ी ही क्लियरली आपको यहाँ पे शो हो जाती है। टायर प्रेशर आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी का, ड्राइव इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। वेल कुछ इस तरीके से भाई 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है विथ नेविगेशन सिस्टम। सो बहुत बहुत शानदार शानदार चीज़ें आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बाकी फीचर्स तो आप जानते हैं, ये पहले से बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आईवीटी में आपको जो मैंने आपको बता दिया, फ्रंट में देख सकते हैं यहाँ पे को ड्राइवर साइड में आपका वेंटिलेटेड सीट्स आपको आ जाती हैं और आपकी ड्राइवर साइड भी वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं। सो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाती हैं और ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम है, एक्चुअल में सच में काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ड्राइव ट्रैक्शन कंट्रोल एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्चुअल में पहले भी आती है, बट ग्रेविटी एडिशन के पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, डैश कैम जो है दोस्तों वो आपके पास में आ चुका है, किया का देख सकते हैं डैश कैम आपको मिलेगा। ये आपका फ्रंट की भी रिकॉर्डिंग करेगा, रियर की भी आपके पास में रिकॉर्डिंग कर जाने की, इंटीरियर की भी आपके रिकॉर्डिंग करेगा। और आजकल गाड़ी में कुछ हो चाहे ना हो, डैश कैम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना प्रॉपरली आपका सेफ्टी रखता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डैश कैम आपका बहुत ही ज़रूरी है, कहीं भी आपकी गाड़ी ठुकती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद का सौदा होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस गाड़ी में ना 10.25 इंच का तो मैंने आपको बताया है, प्लस में क्या इसमें वायरलेस चार्जर की सुविधा भी अब आपको यहाँ पे आ जाती है, तो वायरलेस चार्जर का फंक्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि पहले एक्चुअल में इस पर्टिकुलर इस बीच के मॉडल में आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, बट आपको ये कि अब आपको बीच के मॉडल में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। एक चीज़ और, अगर आप कानपुर या यूपी से बिलोंग करते हैं तो भाई आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं CSR शोरूम में, किया के शोरूम में, मैंने डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दिया, वहाँ पर आप सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में या किया की कोई सी भी गाड़ी के बारे में। ये तो बात हो गई ड्राइवर के बारे में एंड को ड्राइवर साइड के बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इसमें मिलता है पैनारोमिक सनरूफ, मतलब इतना तगड़ा सनरूफ जो कि होश उड़ा देगा पूरा। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ आपको दे दिया जाता है, मतलब इतना प्यारा सनरूफ है कि आपका दिल बोलेगा बस वाओ। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है, फुल्ली पैनारोमिक सनरूफ आपके पास में आ जाती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम। और सबसे अच्छी बात, ये जो नीचे वाला पैटर्न आप देख पा रहे हैं, मतलब इसे भी आपको अपने हाथों से बंद करने की जरूरत नहीं, फुल्ली इलेक्ट्रिक है, तो ये चीज़ काफ़ी प्यारी हो जाती है। एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं किया कनेक्ट आपको मिलेगा, SOS की सुविधा आपको मिल जाती है, बाकी रोड साइड असिस्टेंट यानी कि RSA भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, दो रीडिंग लैंप आपको मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर में दिए गए हैं, एंड सेफ्टी के मामले में भाई तो 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में दे दिए जाते हैं, राइट साइड टिकट होल्डर, लेफ्ट साइड आपका वेंटी मिरर मिल जाता है। सो दिस इज द न्यू किया सेल्टॉस ग्रेविटी एडिशन, कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये तो बात हो गई ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड के बारे में, अब चलते हैं रियर साइड में जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी, क्योंकि भाई फैमिली का जहाँ हमारी बैठेगी वहाँ पे चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली के लिए कम्फर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले जब आप गाड़ी में एंटर करते हैं रियर साइड में, तो भाई यहाँ पे जो एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है गाड़ी का स्पेस। स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी शानदार आपको मिलता है, कंफर्ट जो है वो बहुत ही प्यारा मिलेगा, लेगरूम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, इवन अगर कोई बीच में बंदा बैठेगा तो भाई बीच में ना भी स्पेस काफ़ी शानदार आपको मिलेगा। थोड़ा सा कंफर्ट में दिक्कत हो सकती है बैक सपोर्ट, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैक सपोर्ट में क्या है कि आर्मरेस्ट आपको दे दिया जाता है, आर्मरेस्ट कप होल्डर आपको मिल जाता है,
सो ये थोड़ा सा टाइट होता है, मतलब ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, बट हाँ एक्चुअल में तीन लोग आराम से बैठे जा सकते हैं, दो लोग बहुत ही लग्जरी बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से बैठ सकते हैं। बाकी इन्जॉय करने के लिए बोस के स्पीकर को आपको दिए ही जाते हैं। एक चीज़ और, रियर में आपके पास में हेडरेस्ट हैं जो कि तीनों एडजस्टेबल हैं, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है पूरा। बोथ साइड ग्रैब हैंडल है, और एक UI तो पहले से ही आता था। बाकी आपके पास में इसी के इवेंट्स हैं, दो टाइप से चार्जिंग पोर्ट है, फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। बोथ साइड ग्रैब हैंडल है, एंड पर्टिकुलर अलग से लाइट आपके पास में सेपरेट किनारे आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल जाती है, प्लस में कर्टन्स भी आपको रियर में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस इज़ दी न्यू किया सेल्टॉस ग्रेविटी एडिशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं, ग्रेविटी एडिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा श्री ASR किया शोरूम में। मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, जस्ट कांटेक्ट करिए, गाड़ी बुक करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।